हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल और लेकर आया हूं आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई ये क्या है, मल्टीपल टीम्स हैव मेड यू ऑफर्स फॉर अपकमिंग इंग्लैंड काउंटी कप। आई थिंक मिडल सेक्स में जाऊंगा मैं, देखते बाद में। वो तो फिलहाल के लिए मुंबई का मैच है ओडिशा के साथ कटक में। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसे लग रहे वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। प्लेयर्स यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर प्रैक्टिस करवा रहे कैच प्रैक्टिस सिद्धेश लाड को। और कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। आप वीडियो को रेट कर सकते हैं आउट ऑफ 7, बैटिंग परफॉर्मेंस को रेट कर सकते हैं, बॉलिंग को रेट कर सकते हैं, विकेट ऑफ द डे बता सकते हैं, शॉट ऑफ द डे बता सकता है, कैच ऑफ द डे बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ द डे बता सकते हैं। पहली बॉल डालने के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पर, और पहली ही बॉल बहुत बढ़िया, डॉट बॉल पे डॉट बॉल प्रेशर बनाता है। जितना भी टेस्ट मैच में आप डॉट बॉल खेल लो फिर भी रन आने जरूरी, लेकिन रन नहीं आ रहे किसी भी तरीके से इनकी गेंदबाजी में। एक तरीके से इन्होंने प्रेशर बना के रखा, एक तरफ से या दूसरे तरफ से कोई प्लेयर विकेट लेके जाएगा। विकेट तो नजदीक आती हुई लग रही, क्या कैप्टन लेंगे खुद। लेकिन इसी बीच शैकल्स तोड़ते हुए और बाउंड्री मारते हुए एक बहुत बढ़िया बाउंड्री खेल ली, और पहले ऑफ तो मार्क होंगे या फिर बाउंड्री नहीं जा रही, बाउंड्री गई है, स्लोली स्लोली रेंगते हुए बाउंड्री तक पहुंच गई गेंद। फिर एक बार मेरे को 2 ओवर के बाद स्पेल निकाल दिया मेरा गेम ने। विंग ज्यादा नहीं हो रही गेंद तो विकेट भी नहीं मिल। अच्छी पार्टनरशिप बना चुके हैं यहाँ पर पटनाइक और बिस्वाल। बोल्ड एम फिर से एक बार उसी तरीके की विकेट मिली है यहाँ पर। सिर्फ एक बार, पिछली बार मिडल स्टंप उड़ा था, इस बार उड़ा है वो लेग स्टंप, उड़ा है अक्रॉस आके खेलने की कोशिश। जरा सा बॉल स्विंग हुआ और सीधे स्टंप पे जाते हुए बिस्वाल आउट होते हुए। एज और कोई रन नहीं मिलेगा, लेकिन बच गए, एज हाथ में नहीं गई किसी तरीके से। एज लग के अगर स्लिप में चली जाती तो विकेट मिल जाती, लेकिन स्लिप में नहीं गई, स्ट्रेट ड्राइव सीधे हाथ में फील्डर के। पहला सेशन भी नहीं हुआ और पहले सेशन में 3 विकेट गिरा चुके हैं मुंबई की टीम 83 रन दे करके। जब जब कैप्टन ने गेंदबाजी करने के लिए वापस आए तब तक कैप्टन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसके बाद भी 2 ओवर से ज्यादा, 2 ओवर से ज्यादा स्पेल नहीं मिल रहा है। मेडन विकेट, मेडन विकेट के साथ आखिरी स्पेल के ओवर लेने आ रहे हैं वापस से मेरे हिसाब से कैप्टन, क्योंकि इससे ज़्यादा ओवर नहीं मिलते इनको एक स्पेल में। कैप्टन के लिए बहुत बुरा, मतलब क्या बोलूँ, अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि कैप्टन को दूसरा ओवर नहीं दिया जाता, तीसरा ओवर नहीं दिया जाता स्पेल में। बावजूद इसके कि कैप्टन ने दोनों ही ओवर, पहले ओवर में रन डाले थे, दूसरे 2 ओवर में 4 रन दिए, तीसरे 2 ओवर में, तीसरे तीसरे स्पेल के दूसरे ओवर में अभी तक चल रहे हैं और 1 विकेट ले चुके हैं, एक भी रन अभी तक तो नहीं दिया है। इसके बावजूद इनको तीसरा ओवर मिलता है कि नहीं देखना पड़ेगा इस स्पेल में, या फिर हाँ तीसरा ओवर मिलता है कि नहीं देखेंगे। कैच कैच ही छोड़ दिया भाई, कैच था गधे इंसान। बहुत आउट स्विंगर्स डाल दिया, एक इन स्विंगिंग ट्राई करते यॉर्कर। बोल्ड एम, यस, यही चीज के लिए कोशिश करते रहता हूँ मैं जब इन स्विंगिंग यॉर्कर डालता हूँ, और ये इस बार सही लग गया। पैड बैट और लेग स्टंप फिर से उड़ गया। बोल्ड एम खत्म, जरा सा फील्ड को मैंने चेंज किया और एक और विकेट, सेनापति आउट होते हुए 55 रन बनाकर। गुड बॉल फ्रॉम द कैप्टन, 3 विकेट्स फॉर हिम नाउ आउट ऑफ द 5 विकेट्स दैट टीम हैज टेकन। उसके बावजूद भी इनको वापिस से स्पेल मिलेगा या पता नहीं, तीसरा ओवर मिलेगा या नहीं पता नहीं। स्विंग तो नहीं है, थोड़ा सा मेरे को एंगल कम रखना पड़ेगा ताकि बॉल अंदर स्टंप की तरफ घुसे। मेडन ने 4 रन आए उस विकेट भी ली, उस ओवर में 4 रन आए और 1 विकेट भी ली, क्या बोल रहा हूँ मैं।
फुटबॉल। क्या एक और विकेट ले पाएंगे यहाँ पर कैप्टन, क्या दो विकेट और ले पाएंगे कैप्टन 5 विकेट पूरी करने के लिए अपनी इनिंग्स में? भाई ये क्या है यार, जब फील्डिंग देना चाहिए तो नहीं देता है। कोई बात नहीं, चलो ये सब जगह के पे सेम रूल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं देता है तो वो एआई को भी नहीं देता है सामने फील्डिंग करने रिटर्न में। लेकिन आप देख रहे हो पटनाइक को अभी तक खेल रहे, वो 133 नॉट आउट पे खेल रहे जब ओपनिंग में आए वो बंदे। एक और बाउंड्री जाते हुए यहाँ पर आउटस्विंग की कोशिश हो रही थी, लेकिन आउटस्विंग पे दोनों ही बार अच्छे से खेल लिया। 7 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर। भाई इतना आगे आके खेलने की क्या जरूरत है, डरता है क्या पट्टू? पट्टू को इन स्विंग से डर लगता है क्या? ओके पट्टू का वीकनेस क्या है भाई, स्पेशल शॉट्स? क्या ये भी क्या वीकनेस होता है? कोई आदमी ड्राइव रखे, आदमी कट रखे, नहीं स्पेशल शॉट्स, ये भी क्या वीकनेस वाली चीज है? पांच ओवर और उसके बाद न्यू बॉल आ जाएगी। इसी तरीके से 5 ओवर संभालना है, ज्यादा रन्स नहीं देने। 12वां ओवर चल रहा है हमारा और अब तक 32 रन दे चुके हैं 3 विकेटें निकालने के लिए। किफायती गेंदबाजी की हमने 12 ओवर में 32 रन, मतलब अराउंड लेस देन 2 रन का इकोनॉमी। एज बच गया भाई, बच गया। शॉट जस्ट शॉट ऑफ दैट फील्डर देयर एट गली एरिया। ड्राइव लेकिन सीधा, अच्छे फील्डिंग, बढ़िया हाथ में पकड़ा सीधा। पूरे प्रयास हो रही है यहाँ पर कैप्टन द्वारा, चौथी और पांचवी विकेट ले सके। मेडन ओवर डाला एक और। पट्टू भैया स्ट्राइक पे और बढ़िया ड्राइव पट्टू भैया का। बाउंड्री भाई क्या है, पट्टी पट्टी मेरे साथ स्कैम कर रहा है। मैंने सीधा रखा तो उसने, मैंने उधर रखा तो पट्टी ने सीधा मार दिया। सीधा रखूंगा तो पट्टी वापस से एक्स्ट्रा कवर पे मार देगा। पट्टी आउट होने का नाम नहीं ले रहा है मेरे बैटिंग बॉलिंग में और मेरी इकोनॉमी खराब किया जा रहा है। कम ऑन पट्टी, एक एज दे दे कम से कम। पट्टी भैया एक एज दे दो। कैच इट, फाइनली बैक टू डिफेंसेस। एक बार मार खाने के बाद बढ़िया शॉट सीधे हाथ में। ओवर की समाप्ति, 4 आए उस ओवर से भी। अब 8 विकेट गिर चुके 250 रन पर। अभी भी पट्टी भैया खेलते हुए। पट्टी भैया तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे, 275 गेंदे खेल चुके अब तक फिर भी आउट नहीं हो रहे। पट्टी भैया आउट हो जाओ, नहीं अभी भी लीव करना है बॉल को, अभी भी नहीं खेलना है हमें। बॉल बाउंसर डाला, वो भी छोड़ दिया। पट्टी भैया क्या इरादा है आपका? ओए पट्टी भैया का इरादा सही नहीं लग रहा है मेरे को।
ये लाल लाल चेरी नई वाली है या पुरानी वाली है? देखे जरा। अच्छा, ये लाल लाल चेरी नई वाली है। पट्टी भैया के इरादे नेक नहीं लग रहे हमें। पट्टी भैया आउट हो जाओ भैया, कितना खेलोगे? पूरी टीम तुम्हारे सामने से लुढ़क गई और तुम खेलते बैठे हो अभी तक। मुंबई को भी चांस दे दो खेलने के लिए जरा। नहीं ठीक है भाई, मैडन ओवर आते हुए मैडन और खत्म। एक और विकेट लेने की बारी है भाई। पट्टी भैया तो नहीं दे रहे विकेट, सात तू दे दे। साहब भी बोलता है नहीं मैं नहीं देगा तेरे को विकेट, पर साथ तेरी विकेट तो मैं लेके रहेगा। तेरे को रे गामा पा धा नी सा के पास भेज के रहूंगा मैं। फुल टॉस से पहले निकल ले, फुल टॉस से कैसे विकेट लेगा बेटे? पहले ढंग से यॉर्कर डालना सीख ले फिर विकेट लियो। फुल टॉस से कैसे विकेट लेगी तू? फुल टॉस ही दे रहा है बैट पे सीधा सीधा, विकेट कैसे आएगी फुल टॉस पे बेटी? कोई और लेके ही चले जाएगा विकेट ये। कैच बे यार, कहीं भी फील्ड रख लो यार, बीच में सही निकल जाता है। कहीं भी फील्डर रख लो, बीच में से ही निकल जाएगी बॉल हर बार। चार रन है उस ओवर से 91 के बाद, 9 260 रन पर। भाई प्लीज अभी आउट मत करो कोई। यार ये भी स्विंग कैसे हो रहा है यार भाई, हट। वाह बेटे, ये बॉलर लोग इतने अच्छे डिफेंड करके जाते हैं। बढ़िया शॉट बे पट्टी राजा। ता बोलता है तूने मेरा ईगो हर्ट कर दिया, पाधा निशा के पास कैसे भेजेगा? भेजने ही नहीं दू मैं तेरे को। भाई साहब क्या डिफेंस कर रही है भाई, खत्म करने दे, चल पका मत। ये लो मेडन ओवर। भाई एक भी यॉर्कर भी तो ढंग से नहीं जा रही मेरी, परफेक्ट आइडियल दिखाने के बावजूद भी। कैच भाई साहब क्या ही डिफेंस कर रही है। चल भाई खत्म कर बे, कैप्टन ही है। तो ओवर खेल लिए भाई, खत्म कर, क्या पूरा दिन खेलने लगाएगा इनको? भाई ओए यार ये क्या है यार, हट। क्या डिफेंस करते बैठा है कब से यार, हट। खत्म, आ गई हमारी बैटिंग। लेकिन ये बताओ क्या है? दिन खत्म हुआ? हाँ डे टू भी शुरू हो चुका है, बैटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में डे टू के साथ में और हमारी बैटिंग के साथ में। तब तक के लिए सायोनारा।